हेलो एवरीवन देखिए आज की ये वीडियो जितने भी बीएससी से थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिनके पास मैथ सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अलजेबरा यानी कि शुरू की जो फोर यूनिट हैं आपके मैथ में उनकी उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन राइट जिन्होंने अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड सेमेस्टर में नहीं देखे हैं तो वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं आज की ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ देखिए सबसे पहला अलजैरे की हम इसमें बात करेंगे केवल शुरू की फोर यूनिट आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहला इसमें क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है सोल्ट में आता है ग्रुप डेफिनेशन एंड अवेलियन ग्रुप क्या होता है और कम्युनिटेटिव ग्रुप अवेलियन हालांकि अवेलियन और कम्युनिटेटिव ग्रुप बात एक ही है तो ये इसकी डेफिनेशन आएगी अवेलियन ग्रुप की डेफिनेशन और ग्रुप uh, की डेफिनेशन क्या होती है फिर आपको इंपॉर्टेंट uh, क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है यानी कि इन ए ग्रुप सो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज़ यूनिक एंड सेकेंड क्वेश्चन है एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू जी हैज़ यूनिक इनवर्स इन जी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आएंगे एग्जाम में अगला जो क्वेश्चन है ग्रुप में थर्ड uh, जो पार्ट है इन ए ग्रुप सो दैट ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा इज इक्वल टू होगा ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी एंड फोर्थ क्वेश्चन इज इन ए ग्रुप आपको शो करना है ए मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशंस बी का जो इनवर्स होगा वो इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशंस एंड ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी ये ए ये आपको प्रूफ करना होगा ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं ऐसे ही बता रहा हूँ जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे यानी कि टॉपिक नहीं है ये क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें वो होगा सो दैट सेट वन माइनस वन आई माइनस आई इज एन अवेलियन फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर अंडर मल्टीप्लीकेशन यानी कि मल्टीप्लीकेशन में आपको ये शो करना है कि ये एक अवेलियन फाइनाइट ग्रुप है राइट right? बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको करना ही होगा अगला जो क्वेश्चन है इसी में ही वो है सो दैट द सेट ऑफ ऑल एन एंड रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अवेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये दोनों क्वेश्चन या तो ये या ये एग्जाम में आता ही है अगला जो क्वेश्चन है वो है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इट्स ओन इनवर्स सो दैट द ग्रुप मस्ट बी अवेलियन ये क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन शोल्ट में आएगा या ये कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है लेकिन सोल्ट में आने के चांसेस के अधिक है क्योंकि आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हो इतना uh, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स फिनोमिना नहीं है अगला जो क्वेश्चन सब वो है कंसीडर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी इज इक्वल टू वन माइनस वन आई माइनस वाई ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी यानी कि इस ग्रुप का आपको क्या निकालना है ऑर्डर निकालना है हर एक एलिमेंट का इसमें ही अगला क्वेश्चन मैंने ऐड किया है जो कि जिसके चांसेस मुझे लग रहे थे कि वो आएगा वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईज एलिमेंट इन द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप जी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये क्वेश्चन दोनों ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस यूनिट के तो इनमें से दोनों ही आपको करके जाने हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है फॉर एनी टू एलिमेंट ए एंड बी ऑफ ए ऑफ ए ग्रुप जी सो दैट जी इज अवेलियन इफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अवेलियन मतलब कम्युनिटेटिव अगर ये ग्रुप कम्युनिटेटिव है तो आपको ये प्रूफ करना है इंपॉर्टेंट uh, क्वेश्चन आपको करना है अगला जो क्वेश्चन है वो है इसमें द रिलेशन ऑफ आइजोमोरफिजम्स इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज एन इक् बैलेंस रिलेशन ये क्वेश्चन लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर यूनिवर्सिटी के लिए मैं आप यहाँ पर बात कर रहा हूँ अगला जो क्वेश्चन है था इंटरसेक्शंस ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी यानी कि सब ग्रुप है जी के दो उनका जो इंटरसक्शंस होगा वो भी ग्रुप Z का एक सब ग्रुप ही होगा ये आपको इसमें प्रूफ करना है अगला जो क्वेश्चन ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ इज डाइवर्जर यानी कि factor of the order of the group. यानि कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा तो वह क्या होंगे डाइवर्जर होंगे फैक्टर होंगे तो ये आपको प्रूफ करना है ये लैंगराज थ्योरम के नाम से पूछा जाता है अगला जो क्वेश्चन है वो है every cyclic group is necessarily abelian but the converse is not true every cyclic group cyclic group mein agar thoda sa aapko batau to is type ke jo group aapko dekhne ko milenge a ki power m type ke a ki power m a ki power n yani ki jinko aap base same hoga is type ke jo group hote hain उनको हम cyclic group कहते हैं तो ये इसमें आप prove प्रूफ करना है कि वो ग्रुप अवेलियन होगा बट इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा यानी कि हर एक अवेलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा राइट right? अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो है वाट इज नॉर्मल सब ग्रुप एंड द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ये नॉर्मल सब ग्रुप का एक क्वेश्चन है ये जो आपको प्रूफ करना होगा अगला जो क्वेश्चन है रिंग के जो क्वेश्चन है वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें मैंने चूज किया है वाट इज रिंग रिंग की डेफिनेशन लिखनी होगी देन प्रूफ करना होगा ए जीरो बराबर जीरो ए इज इक्वल टू जीरो ए माइनस वी बराबर माइनस ए वी बराबर माइनस ए बी ए बी माइनस सी बराबर ए बी माइनस ए सी ये तीनों क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं तो ये आपको करने ही हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आप इजीली इनको कर सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है ए रिंग आर इज विदाउट जीरो डाइवर्जर इफ़ एंड आ, इफ एंड ओनली इफ द कैंसिलेशन लो होल्ड इन आर ये क्वेश्चंस बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें स्टूडेंट अक्सर कन्फ्यूज भी होते हैं विदाउट जीरो डाइवर्जर विद जीरो डाइवर्जर तो ये आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना होगा प्रूफ करना होगा ए रिंग आर इज़ विदाउट जीरो इफ एंड ओनली इफ द कैंसिलेशन स्लो होल्ड इन आर राइट तो ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है अगला जो क्वेश्चन है एवरी फील्ड इज एन इंट्रीगल डोमेन ये भी आपको प्रूव करना होगा एवरी फील्ड इज एन इंट्रीगल डोमेन बट डिसूव दैट एवरी इंटरीगल डोमेन इज़ ए फील्ड यानी कि हर एक फील्ड इंटरीगल डोमेन होता है ये आपको प्रूफ करना है और साथ ही साथ ये भी आपको डिसप्रूव करना है कि इंटरीगल डोमेन इज़ ए फील्ड यानी कि uh, हर एक इंटरीगल डोमेन फील्ड नहीं होता है ये आपको प्रूफ करना है या डिसप्रूव दैट एवरी इंट्रील डोमेन इज ए फील्ड बात एक ही है तो ये uh, जो थ्योरम्स है ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं इस चैप्टर की अगला जो क्वेश्चन है वो है सो दैट द क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज़ ए कम्युनिटेटिव रिंग विद यूनिटी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन रिंग की एक खास बात यह है कि इसमें दो वाइनरी ऑपरेशन होते हैं जब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर एटीन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सो दैट द क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज़ ए कम्युनिटेटिव रिंग विध यूनिटी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन अगला जो क्वेश्चन है इसमें एम सी क्यू टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें आपका पूछा जाएगा एवरी फील्ड इज एन इंट्रीगल डोमेन ये एम सी क्यू में बनते हैं एवरी फील्ड इज एन इंट्रीगल डोमेन तो आप सभी को किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा राइट दूसरा क्वेश्चन इसमें आएगा एवरी फाइनाइट इंट्रीगल डोमेन इज ए फील्ड एवरी इंटरीगल डोमेन एक फील्ड नहीं होता है लेकिन एवरी फाइनाइट इंट्रीगल डोमेन एक फील्ड होता है तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगला जो क्वेश्चन है ए फाइनाइट कम्युनिकेटिव रिंग विदाउट जीरो डाइवर्जर इज़ ए फील्ड तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एम सी के में आपको देखने को मिलेंगे किसी भी टाइप आ, में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे तो ये जो शुरू की फोर यूनिट थी उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने डिस्कस किया अगली जो फोर यूनिट होंगी अगर आप कमेंट करेंगे तो उनके भी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा